हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास ट्वेल्व सब्जेक्ट इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर सेवन द इंटरव्यू क्रिस्टोफर स्लिविस्टर द्वारा लिखा हुआ उसकी समरी करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स ये है मेरे बुक पास बुक फ्लैमिंगो की क्लास ट्वेल्व की ठीक है जी उसका ये वाला जो चैप्टर है सेवन चैप्टर इंटरव्यू ये दो पार्ट्स में है पहले में में ऑथर ने यह बताया है कि ये इंटरव्यू कंडक्ट कैसे की जाती है क्यों की जाती है और उसके क्या प्रोज एंड कौन सामने नजर आ रहे हैं उसको ठीक है और उसके बाद इसमें एक व्यक्ति से इंटरव्यू की गई है मुकंद ने इंटरव्यू की थी उम्बैतो इको से ठीक है जी फिर उसके बारे में चर्चा की कि एक पर, असल में जो इंटरव्यू हुई थी उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं उसको आपको समरी में समझाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं चलिए ठीक है समरी में शुरू करते हैं द इंटरव्यू समरी इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द चैप्टर यूजिंग ईजी लैंग्वेज ये समरी में बहुत ईजी लैंग्वेज में सारे चैप्टर को समझाया हुआ है दिस चैप्टर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम देंगन बुक ऑफ इंटरव्यूज ये कहाँ से लिया हुआ है द पेंगेन बुक ऑफ इंटरव्यू से ये चैप्टर लिया हुआ है इट इज़ रिटन बाय द क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इन दिस चैप्टर द ऑथर टॉक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ़ इंटरव्यू इसमें वो टेक्निक ऑफ़ इंटरव्यू की बात कर रहे हैं एंड अ न्यू वे ऑफ इंटेरोगेटिंग और ये वो बता रहे हैं कि ये एक इंटेरोगेशन करने का नया तरीका है उनको लगता है कि ये ऑथर को ठीक है ही टॉक्स अबाउट इट रेफरेंस टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म वो कहते हैं कि जर्नलिज्म के बारे में रेफरेंस देते हुए ये बताते हैं कि ये जर्नलिज्म में एक ये नई चीज़ आई है इंटरव्यू मोर ओवर ही ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यू टेक्निक और वो इसकी नई टेक्नी इस नई टेक्निक के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं ही गोज़ टू द स्टेट हाउ द इंटरव्यू हैज बिकम ए वाइटल एरिना इन एवरी वन लाइफ वो इस चीज़ को बताते हैं कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है सभी की लाइफ में इंटरव्यू दस इट एटीच अस अबाउट द फंक्शन इस हमारे हमें फंक्शंस के बारे में इसके मैथड्स मैरिट्स के बारे में बताता है मोर ओवर दल्सो ऑथर ऑल्सो इन कारपोरेट्स एंड एक्सेप्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू वो एक इंटरव्यू के बारे में बताता है जो ही नोटोरियस राइटर अम्बैरोको एक कुख्यात जो लेखक है उसके साथ इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स हैं उसमें दिस पार्ट अलाउ अस टू फाइंड अ ग्लेम्स ऑफ एट इज लिटरली मैथड और उसके लेखन के कुछ मैथड्स में हमें कुछ थोड़ी सी झलक मिलती है तो इसमें इंटरव्यू में सबसे पहले ये है द चैप्टर स्टेट्स स्टार्ट विद द ऑथर इंट्रोड्यूसिंग अस टू द मैथड ऑफ इंटरव्यू वो हमें चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है वह हमें इंटरव्यू करने के डिफरेंट मैथड्स के बारे में बता रहे हैं वी लर्न दैट इट इज वेटी कॉमन इन द जर्नलिज्म एंड इट्स औरिजिन डेट्स बैक टू वन थर्टी ईयर्स बिफोर वो कह रहे हैं कि वो हमें बताते हैं कि ये कॉमन चीज़ हो गई है अब इंटरव्यू करना जर्नलिज्म में इसकी शुरुआत एक सौ तीस साल पहले हुई थी ही एक्सप्रेसिज दैट अनसरप्राइजिंगली वो बताते हैं कि अनसरप्राइजिंगली वेरियस पीपल कैरी डिफरेंट ओपिनियंस बहुत सारे लोग डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं राय रखते हैं अपनी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द इंटरव्यू इंटरव्यू के बारे में एंड इट्स यूज और उसके यूज के बारे में सम पीपल थिंक इट इज़ वेरी हाईली वाइल अदर्स कैनॉट बीर गिवन गिविंग एन इंटरव्यू कुछ तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं और कुछ समझते हैं कि ये इसको इंटरव्यू uh, का कोई फायदा नहीं होता दिस चैप्टर द चैप्टर टेल्स अस दैट एन इंटरव्यू कैन मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन चैप्टर हमें बताता है कि जो इंटरव्यू है वो एक बहुत लंबे समय तक इंप्रेशन छोड़ने वाला एक चीज़ है मोर ओवर एज पार्ट एज़ पर एन ओल्ड सिंग जैसा कि एक पुरानी कहावत है वेन वी मेक प्रसप्शंस अबाउट पर्टिकुलर पर्सन द ओरिजिनल एंट्री ऑफ देयर सोल इज़ टेकन अवे वो कहते हैं कि पुरानी कहावत है कि जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो हमारे माइंड में भी उसके बारे में वही छवि छप जाती है हम उसके सोल में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाते वी लर्न हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैव क्रिटिसाइज इंटरव्यूज वो कहता है कि बहुत सारे पौप, जो पॉपुलर विख्यात लोग हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इंटरव्यूज़ को कि वो इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते उसकी कमियां निकाली हैं सिमिलरली रुडियार्ड क्लिपिंग्स वाइफ राइट इन हर डायरी अबाउट हाउ टू रिपोर्टर्स इन द बॉस्टन रियूडर उसने इसी तरीके से उन्होंने बताया कि रोया किपलिंग की वाइफ ने अपनी डायरी में लिखा है कि दो रिपोर्टर्स जो बोस्टन में थे किस तरीके से उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी ही थिंक्स ऑफ इंटरव्यू एज एन असॉल्ट वो इसको एक बेजती की तरह लेते हैं हाउवर ही इवन बिलीव दैट दिस क्राइम शुड हैव अ पनिशमेंट वो कहते हैं कि इस क्राइम की कोई सजा भी होनी चाहिए फर्दर किपलिंग इज ऑफ द थिंकिंग दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आस्क फॉर और गिव एन इंटरव्यू किपलिंग कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो कि इज्जतदार है उसको इंटरव्यू नहीं करनी चाहिए देनी चाहिए मोर ओवर दिस चैप्टर ऑल्सो कंटेन एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द इंटरव्यू वो इंटरव्यू बिटवीन मुकंद एंड बिलोंगिंग टू द हिंदू न्यूज़ पेपर वो हिंदू न्यूज़ पेपर के है एक पत्रकार मुकुंद उनकी इंटरव्यू है एम बैरतो इको से ईको इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोग इन इटली वो ईको एक प्रोफेसर एब यूनिवर्सिटी ऑफ बलगोना इटली में ही वॉज ए डॉन्टिंग स्टेटस एज ए स्कॉलर उनका एक डॉन्टिंग स्कॉलर के रूप में फॉर हिज फिलोसफीज ऑन द स्टडी सिमोटिज़ ऑन द स्टडी ऑफ साइंस लिटरेरी इंटरप्रेसन और लिट्रेरी इंटरप्रटेट भी करते हैं और मेडिवल एस्थेटिज वो पुराने मध्यकालीन के बारे में बात करते हैं जो फिफ्टीन सेंचुरी के आसपास है बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शन जो मतलब राइटिंग फिक्शन लिखने से पहले वो इन बातों के बारे में लिखते थे इन द इंटरव्यू वी सी इट सेंटर्स ऑन हिज सक्सेसफुल नावल इंटरव्यू में हम बताते हैं कि उनके एक किसके अराउंड घूम रिया सारे इंटरव्यू उनके एक सक्सेसफुल नावल के द नेम ऑफ द रोज जिसका नाम था नावल का रोज़ हिज़ नावल सोल्ड मोर दैन टेन मिलियन कॉपीज दस लाख कॉपी से ज़्यादा बिकी थी मुकद बिगेन बाय आस्किंग हिम नाउ हाउ मुकद ने शुरुआत किया कि हाउ ही मैनेज टू डू सच डिफरेंट थिंग्स कि वो इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें करते होंगे वो ओबे तो रिप्लाईज से हीज़ डूइंग द सेम थिंग कहते हैं कि मैं तो सब कुछ वही उसी तरीके से करता हूँ फर्दर ही गोज ऑन जस्टिफाइंग हीज बुक्स वो फर्दर बताते हैं कि वो अपनी जस्टिफाई करते हैं कि उसकी बुक अब रिवॉल्व अराउंड पीस एंड नॉन वायलेंस कि उसकी जो बुक्स हैं वो ज़्यादातर शांति का प्रचार करती हैं और अहिंसा का प्रचार करती हैं वी लर्न दैट अबेरतो क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज एन अकेडमिक स्कॉलर उन्होंने अपने आप को एक स्कॉलर के रूप में पढ़े लिखे स्कॉलर के रूप में प्रस्तुत किया है ही अटेंड्स वेरियस अकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस वो बताते हैं कि वो बहुत सारी अकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस को अटेंड करते हैं थ्रो थ्रू आउट द वीक सारा सप्ताह एंड राइट्स नॉवल्स ऑन संडे और संडे को नावल लिखते हैं Moreover, he expressed that others, considering him as a novelist, कि बाकी तो उसको एक novelist के रूप में समझते हैं सोचते हैं, and not scholar, और scholar के रूप में, does not affect him at all, और उसको affect नहीं करते, other uh, scholars doesn't affect him at all, और बाकी scholars उसको affect नहीं करते, he agrees it is धा टू इन्फ्लुस मिलियंस पीपल विद एन विद एकेडमिक वर्क वो कहता है बड़ा मुश्किल होता है कि एकेडमिक काम से आप दूसरे लोगों को या लाखों लोगों को प्रभावित कर सको ओके okay तो आगे है इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए मोर ओवर वी कैन लर्न वी आल्सो लर्न हाउ ही बिलीव दैट आर लाइव है वंस इन एटम्स और इसमें वो ये भी कहते हैं विश्वास रखते हैं कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक एमटी स्पेस है जैसे कि एटम्स में एम्प्टी स्पेस होता है ही रेफर्स टू दैम एज इंटरसिक्स एंड इंटरसीज सॉरी इंटरसीज एंड एडमिट दैट ही डज मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इन द कोर्स ऑफ दैट टाइम वो कहते हैं कि उस गैप में जो भी उस टाइम में गैप मिलता है सारे दिन में उसमें वो मोस्ट ऑफ द अपना प्रोडक्टिव काम करते हैं ठीक है जितना भी उनके पास अवेलेबल टाइम होता है स्पीकिंग अबाउट हिज नावल अपने नावल के बारे में बताते हुए कहते हैं ही रिमार्क्स दैट इट इज़ नॉट एन ईजी रेड कि वो उसको पढ़ना आसान ही है ही वॉज इट हैज गॉट अ डिटेक्टिव फीचर उसमें एक डिटेक्टिव मतलब जासूसी वाला फीचर भी है टू इट अलॉन्ग सेड मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स क्या होती है एक आइडिया के बारे में है एक आइडिया है और उसमें एक डिटेक्टिव फीचर भी है जासूसी वाला फीचर भी है थियोलॉजी भी है थियोलॉजी किसी रिलीजन के बारे में भी है और मेडिवल हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री मतलब मैंने पहले ही बताया कि मध्यकालीन का समय जो पंद्रह सोलह सेंचुरी के आसपास है उसकी बात करते हैं वो सिमिलरली ही थिंक्स डैट इफ ही रोट द नावल टेन ईयर्स अर्लियर और लेटर वो कहते हैं कि अगर उन्होंने नावल दस साल पहले या बाद में लिखा होता इट वुड नॉट अचीव द सेम सक्सेस और उस नावल को तब उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नावल रिमेन्ज अ मिस्ट्री इसलिए अभी भी उनके लिए इस नावल का इतना सक्सेसफुल होना एक अभी भी रहस्य है कंक्लूजन टू सम अप द इंटरव्यू समरी वी लर्न हाउ मैनी पीपल डिफर इट वेन इट कम्स टू इंटरव्यूज बहुत सारे लोग इससे अलग राय रखते हैं जब वो इंटरव्यूज़ के बारे में बात करते हैं नान द लैस दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव एज सीन फ्राम ओबैट्रोस इंटरव्यू वो कहता है चाहे जितने मर्ज़ी हम उसके फ़ायदे या नुकसान बता दें कि इंटरव्यू होने के या दूसरे लोग उसको कैसे समझते हैं उनका नज़रिया चाहे जो भी हो इंटरव्यू के प्रति बट फिर भी इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोचक और जानकारी देने वाली होती है। की, की हैं ये हमें अब्रतों के उब्रतों के इंटरव्यू से पता चलता है ठीक है जी तो स्टूडेंट्स ये थी सारी इसकी समरी इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा आप इसके नोट्स इसको देख के बना लीजिए बाकी अगली वीडियोस वीडियोज में इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाऊंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके okay जी डन